Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Ruby and I create content on JEE, motivation and stuff like that. कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था ऑन LNM IIT जो कि जयपुर में है. अगर तुम लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो तुम वो वीडियो जाके ज़रूर से देख सकते हो. मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है कि तुम्हें उस कॉलेज को कब कंसिडर करना चाहिए, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो तुम उस वीडियो को जाके ज़रूर से देखना. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ JP नोएडा के बारे में. काफ़ी सारे बच्चे इस कॉलेज के बारे में जानते होंगे. जनरली जो उस साइड के बच्चे हैं वो जानते होंगे, बट जो साउथ के बच्चे हैं या फिर जो एकदम ईस्ट साइड के बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं इस कॉलेज के बारे में. तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही कॉलेज का रिव्यू करती हूँ जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता है. हमें पता तो होता है कि जो अच्छी IITs है और जो अच्छी NITs है उनके बारे में तो, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि अच्छे हैं बट हमें उनके बारे में पता नहीं है. तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं. तो आज मैं करने वाली हूँ JP नोएडा का रिव्यू. अगर तुम लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कब तुम्हें सोचना है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में, और इसके प्लेसमेंट के बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज देने वाली हूँ. तो इस वीडियो को एंड तक देखना. सबसे पहले जो इस कॉलेज का फुल नेम है वो है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये नोएडा में है और इसमें BTech प्रोग्राम चलता है जो कि JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है वहाँ पे. अगर तुम्हारी JEE में रैंक अराउंड 50K to 80K के बीच में लाई कर रही है तो तुम इस कॉलेज में आराम से एडमिशन ले सकते हो. 50K अगर है तुम्हारी रैंक तो तुम्हें CSE मिल सकता है, और अगर 80K 90K है तुम्हारी रैंक तो तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी मिल सकता है. एक पॉइंट मैं बताऊंगी, इवन अगर तुम्हें इस कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है और तुम्हारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं बच रहा है तो तुम इस कॉलेज को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो. तो आते हैं हम लोग इस कॉलेज के फ़ीस के ऊपर. इस कॉलेज की जो पर ईयर की फ़ीस है, जो ट्यूशन फ़ीस है, वो अराउंड 2.5 लाख to 2.7 लाख के बीच में रेंज करती है. तो 4 ईयर्स की फ़ीस अराउंड 10 लाख हो जाती है, और जो हॉस्टल फ़ीस है वो पर ईयर 1.5 लाख है. ये थोड़ा कॉस्टली कॉलेज है क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज है, तो हम लोग इससे ज़्यादा कम फीस की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बट डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉलेज है. अगर तुम पूरी फ़ीस सम अप करोगे हॉस्टल एंड योर ट्यूशन फ़ीस मिला के तो अराउंड वो तुम्हें 16 to 17 lakhs का पूरा फीस का पड़ेगा, एंड प्लस योर पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी हैं तुम्हारे. तो इफ़ यू कैन अफोर्ड इतना सारा फ़ीस तो डेफिनेटली तुम्हें इस कॉलेज को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए. अब आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर कि कौन सी कंपनीज़ आती हैं, कंपनीज आती भी हैं कि नहीं आती हैं. इस कॉलेज में तुम्हें प्लेसमेंट की दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत सारी कंपनीज़ इस कॉलेज में विज़िट करती हैं. तो जो सबसे अच्छी कंपनीज़ विज़िट करती है वो है अमेज़ॉन और एडोबी. अमेज़ॉन अराउंड 24 LPA का पैकेज देती है और एडोबी अराउंड 40 LPA का पैकेज देती है. बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ विज़िट नहीं करती हैं इस कॉलेज में, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज़ विज़िट करती हैं. अगर तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे इस कॉलेज में जाके तो डेफिनेटली अच्छा पैकेज ले जाओगे. लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ इस कॉलेज में मास रिक्रूटिंग कंपनीज भी आती हैं, जैसे TCS, विप्रो और इन्फोसिस, जो कि एक साथ 90-100 स्टूडेंट्स को ले जाती है, और जो पैकेज देती है वो अराउंड 3.5 LPA या फिर 4 LPA 4.5 LPA, वो ऐसा पैकेज होता है. इसीलिए अगर तुम इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है उसे निकालने की कोशिश करोगे तो वो अराउंड 5 या फिर 6 LPA ही आएगा, क्योंकि इस कॉलेज में मास रिक्रूटिंग कंपनीज़ भी आती हैं. बट येस, इस कॉलेज में अच्छी कंपनीज़ भी आती हैं, तो यार देखो प्रो और कॉन दोनों ही होता है हर कॉलेज का. तो अगर तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो मैं बोलूँगी इस कॉलेज में तभी एडमिशन लेना जब तुम्हारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं बच रहा है. अगर एकदम ही ख़राब NIT मिल रही है तुम्हें, जैसे NIT सिक्किम हो गया, NIT मणिपुर हो गया, उसमें भी एकदम लोअर डिपार्टमेंट मिल रहा है, जैसे मैकेनिकल केमिकल ये सब मिल रहा है अगर तुम्हें, तो तुम इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसी रैंक पे तुम्हें इस कॉलेज में एक बेटर ब्रांच मिल जाएगी. एंड अगर तुम्हें बिट्स में कोई लोअर ब्रांच मिल रही है, जैसे बी फार्मा हो गया या फिर सिविल हो गया, अगर तुम्हें वैसी ब्रांचेस मिल रही है बिट्स में भी, तो भी तुम इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस कॉलेज की फ़ीस जो है वो बिट्स से थोड़ी कम है, और प्लेसमेंट ऑब्वियसली उसके जो लोअर ब्रांचेज हैं वो उससे अच्छी ही तुम्हें ये कॉलेज देने वाला है. एंड SRM, VIT, मणिपाल जैसे कॉलेजेस से ये कॉलेज बेटर लगता है मुझे. एंड अगर तुम लोग उसी एरिया के पास रहते हो तो तब तो डेफिनेटली तुम्हें इस कॉलेज को लेना चाहिए, बिकॉज लोकेशन वाइज ये कॉलेज तुम्हारे लिए बेटर रहेगा. काफ़ी सारी कंपनीज लोकेशन के कारण भी इस कॉलेज में आ जाती हैं, तो वो भी यार एक प्लस पॉइंट है. जनरली जो लोकेशन हो गया, जैसे तुम्हारे दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव या फिर कोलकाता ले लो,
तो ये सारी जो लोकेशंस हैं यहाँ पे कंपनीज ज़्यादा विजिट करती हैं. बट अगर तुम लोकेशन लोगे जैसे जमशेदपुर, मणिपुर, सिक्किम, तो वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज विजिट करने का कोई स्कोप नहीं बचता. इसीलिए अगर तुम्हें वहाँ पे कहीं एडमिशन मिल रहा है और जेपी में एडमिशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली तुम्हें जेपी को कंसिडर करना चाहिए अगर तुम्हारा फीस इशू नहीं है तो. और दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. अगर तुम्हें कुछ हेल्प मिला है इस वीडियो से, कुछ जानने के लिए मिला है एक्स्ट्रा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.